हाय, वेलकम टू हेलीकल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 14 एंड 16 ऑफ एचएमई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 की। सेक्शन 14 बात करता है नो पिटीशन ऑफ डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के 1 साल के भीतर कोई भी डाइवोर्स की पिटीशन नहीं लगाई जा सकती। सो सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट विल नॉट एंटरटेन एनी पिटीशन फॉर डिक्री ऑफ डाइवोर्स अनलेस एट द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन 1 ईयर हैज बीन इलेप्स्ड सिंस द डेट ऑफ द मैरिज। उसका मतलब ये है कि कोई भी डाइवोर्स की पिटीशन शादी के 1 साल के भीतर नहीं लगाई जा सकती है। इसके लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं। द कोर्ट मे अलाउ अ पिटीशन पेटिशन टू बी प्रेजेंटेड बिफोर 1 ईयर ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो कुछ ग्राउंड्स पर कोर्ट चाहे तो अलाउ कर सकता है इवन बिफोर 1 ईयर, मतलब जनरल रूल्स के अगेंस्ट जाकर भी कोर्ट अगर चाहे तो अलाउ कर सकता है कुछ ग्राउंड्स पर। अब वो ग्राउंड्स क्या है? द केस इज वन ऑफ एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द पेटिशनर, यानी कि केस ये कुछ ऐसा है जहां पर जो पेटिशनर है उसको एक्सेप्शनल हार्डशिप हो रही है, यानी उसे बहुत ज्यादा ही दिक्कत आ रही है शादी में रहते हुए, इस वजह से वो 1 साल तक वेट नहीं कर सकती, या कुछ सर्कमस्टेंसेस केस के ऐसे। और इफ इट इज ऑफ एक्सेप्शनल डिप्रेविटी ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्डेंट, या फिर रिस्पॉन्डेंट के पार्ट से बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल डिप्रेविटी है जिस वजह से क्या है कि 1 साल के भीतर ही डाइवोर्स की पिटिशन पेश की जा रही है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कतों की वजह से जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो साथ में नहीं रह सकते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुरंत ही डाइवोर्स की पिटिशन पेश की जाए एंड 1 साल तक वेट नहीं किया जा सकता, तो इन दैट केस 1 साल के भीतर भी कोर्ट चाहे तो अलाउ कर सकती है। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 15, दैट इज रीमैरिज आफ्टर ऑब्टेनिंग डाइवोर्स। So, Section 15 provides that after passing the decree of divorce, the parties to the marriage may marry again in the following if the following circumstances exist. So, अगर कुछ circumstances जो यहाँ नीचे दिए हुए हैं वो exist करते हैं तो उस केस में फिर डाइवोर्स की डिक्री के बाद जो पार्टीज हैं उनके पास राइट रहेगा रीमैरी करने का। सो फर्स्टली देयर इज नो राइट ऑफ अपील अगेंस्ट द डिक्री। जो भी डिक्री आई है डाइवोर्स की उसके खिलाफ राइट ऑफ अपील ही नहीं है। सेकेंडली इफ देयर इज अ राइट ऑफ अपील द टाइम फॉर अपीलिंग हैज एक्सपायर्ड विदाउट एन अपील हैविंग बीन प्रेजेंटेड। अगर राइट ऑफ अपील है तो उस केस में जहां पर जो अपील करने का टाइम है वो अगर एक्सपायर हो गया है तो उस केस में भी अपील पेश की जा सकती है। देन तीसरा क्या है? अपील हैज बीन प्रेजेंटेड बट हैज बीन डिसमिस्ड। अपील प्रेजेंट की गई थी बट वो डिसमिस हो गई है। तो हमने देखा कि इन तीन सर्कमस्टेंसेस में देयर इज अ राइट ऑफ द पार्टी, यहाँ पर राइट है पार्टी के पास कि वो रीमैरी कर सकता है। मतलब बेसिकली हमें ये समझना है कि जहां पर टोटली डिक्री फाइनल हो जाए, क्योंकि हम जैसे सीपीसी में पढ़ते हैं कि जब तक अपील का टाइम पीरियड रहता है डिक्री को फाइनल नहीं कहा जा सकता, तो इन द सेम वे हमें उस वक्त तक रुकना पड़ेगा जब तक कि अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, रिजेक्ट नहीं हो जाती, या फिर डिक्री ही ऐसी है कि उससे अपील हो ही नहीं सकती। अब आते हैं सेक्शन नंबर 16 पे, विच टॉक्स अबाउट लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। तो हमने सेक्शन नंबर 11 में और सेक्शन नंबर 12 में वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस के बारे में पढ़ा था। सो सेक्शन 16, उन्हीं मैरिजेस के दौरान अगर बच्चों का जन्म होता है तो उनकी लेजिटिमेसी क्या रहेगी, क्या वो लेजिटिमेट कहलाएंगे या इनलेजिटिमेट कहलाएंगे, क्योंकि जो वो मैरिजेस थी वो वॉइड थी या वॉइडेबल थी, तो उस केस के बारे में सेक्शन नंबर 16 डिस्कस करता है। Section 16 provides that even if the marriage is null and void under Section 11, any child of such marriage who would have been legitimate if the marriage had been valid shall be legitimate whether or not a decree of nullity is granted in respect of the marriage under this Act. So, सबसे पहले Section 16 ये बोलता है कि भले ही marriage null and void रही हो under Section 11, अगर कोई भी child उस marriage से पैदा होता है जो कि लेजिटिमेट होता, अगर वो मैरिज वैलिड होती तो उसे फिर भी लेजिटिमेट ही माना जाएगा भले ही वेदर और नॉट अ डिक्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड, चाहे भले ही डिक्री नलिटी की ग्रांट कर दी गई हो उस शादी के लिए या फिर ना की गई हो।
एंड वेदर और नॉट द मैरिज इज हेल्ड टू बी वॉइड अदरवाइज देन अ पिटिशन अंडर दिस एक्ट. और चाहे भले ही मैरिज को वॉइड किया गया हो करार या ना किया गया हो, अंडर द पिटिशन अदरवाइज देन अ पिटिशन अंडर दिस एक्ट, किसी अन्य एक्ट के तहत भी. तो बेसिकली हमें समझना यहाँ पर ये है कि वॉइड मैरिजेस अगर होती हैं उस दौरान जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको लेजिटिमेट ही माना जाएगा, भले ही उनकी शादी को डिक्री के थ्रू नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया हो या ना भी किया हो. वेर ए डिग्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वॉइडेबल मैरिज, जहाँ पे डिग्री ऑफ नलिटी ग्रांट कर दी गई हो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वॉइडेबल मैरिज अंडर सेक्शन 12, कोई भी चाइल्ड जो कि बिगॉटन होता है या कंसीव होता है बिफोर द डिग्री इज मेड. तो जहाँ पर यहाँ बात हो रही है सेक्शन नंबर 12 की, जो कि वॉइडेबल मैरिज की बात करता है, तो वॉइडेबल मैरिज के केस में जहाँ पे डिग्री ऑफ नलिटी ग्रांट कर दी गई है अंडर सेक्शन 12, पर जो कोई चाइल्ड है वो कंसीव किया गया है कब, डिग्री के पहले, जब डिग्री आई है उसके पहले ही बच्चा कंसीव हो चुका है या बिगॉटन हो चुका है, सो उस केस में हु वुड हैव बीन द लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द पार्टीज टू द मैरिज इफ एट द डेट ऑफ द डिग्री इट हैड बीन डिसॉल्व इंस्टेड ऑफ बीइंग एन्यूल्ड शैल बी डीम्ड टू बी देयर लेजिटिमेट चाइल्ड नॉटविथस्टैंडिंग द डिग्री ऑफ नलिटी. सो ऐसे केस में वो बच्चे को लेजिटिमेट ही माना जाएगा अगर उसे तब लेजिटिमेट माना जाता अगर जो डिग्री आई है वो नहीं आती और जो शादी है उसको लेजिटिमेट ही माना जाता, तो उस केस में भी. सो द अबव प्रोविजन शैल नॉट कन्फर अपॉन एनी चाइल्ड ऑफ अ मैरिज विच इज नल एंड वॉइड और वॉइडेबल एनी राइट्स इन और टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अदर देन द पेरेंट्स. तो देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो ऊपर हमने प्रोविजन पढ़े वो किसी भी चाइल्ड पर, ठीक है, ऐसी मैरिज से जो हुआ चाइल्ड है जो कि नल एंड वॉइड या वॉइडेबल हो गई थी, तो वो उस केस में कोई भी राइट्स उस पर्सन की प्रॉपर्टी पे बच्चे को कन्फर नहीं करेंगे अदर देन द पेरेंट्स. यानी केवल जो बच्चा होगा वो पेरेंट्स की संपत्ति पे तो अधिकार जमा सकता है वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से भले ही वो पैदा हुआ हो, लेकिन किसी अन्य संपत्ति पर जैसे आपकी पुश्तैनी जायदाद है उस पर वो अपना अधिकार नहीं जता सकता. केवल पेरेंट्स की जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर ही वो अधिकार जता सकता है क्योंकि वो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से जन्म लिया हुआ है, हालांकि उसे लेजिटिमेट दोनों ही कंडीशन में माना जाएगा. तो आई होप आपको ये तीनों सेक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे. सो थैंक यू एंड कीप.